नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के एक अनोखे गांव की ओर, जहां के घरों में दरवाजे नहीं हैं। यह परंपरा पिछले 300 सालों से चली आ रही है। आइए जानते हैं इस गांव की खासियत और इसके पीछे की वजह। यह है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अनूठा सारन का खेड़ा गाँव, जहाँ लोग बिना दरवाजे के घरों में रहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस परंपरा की शुरुआत तब हुई थी जब गांव में एक खास विश्वास विकसित हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक महात्मा का वरदान इस गांव को मिला हुआ है। गांव में बने घरों में दरवाजा न लगाने की सलाह महात्मा ने ही लोगों को दी थी। गांव वालों का मानना है कि इस गांव की हिफाजत महात्मा ही करते हैं, इसी वजह से इस गाँव में कोई भी शख्स अपने घर में दरवाजा नहीं लगवाता। यहाँ के लोग मानते हैं कि दरवाजे न होने से उनका घर हर किसी के लिए खुला रहता है, जिससे आपसी विश्वास और भाईचारा बढ़ता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस परंपरा का पालन करना न केवल उनके लिए गर्व की बात है, बल्कि यह उनके सामाजिक ताने बाने को भी मजबूत करता है। गांव में कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के दूसरे के घर जा सकता है, जिससे एकजुटता बनी रहती है। यहाँ के लोग सामूहिकता में विश्वास रखते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहता है। दरवाजे न होने से सुरक्षा का मुद्दा भी नहीं उठता, क्योंकि गांव के सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस परंपरा का पालन करने के बाद भी इस गांव में एक भी चोरी का मामला दर्ज नहीं हुआ है। इस गांव में बिना दरवाजों के 100 से ज्यादा परिवार यूं ही रहते हैं। इस गांव में यह प्रथा 300 सालों से चली आ रही है। जानवरों से बचने के लिए गांव के लोग केवल लकड़ी की जाली नुमा टाटी लगाते हैं, जिससे आवारा पशु या पालतू जानवर घर में नहीं घुस सके। ग्रामीणों का दावा है कि इस परंपरा को तोड़ने का जिस भी व्यक्ति ने प्रयास किया है, उसे अपने बुरे हालात से गुजरना पड़ा है। इस वजह से गांव में दरवाजा लगाने की गलती कोई भी परिवार नहीं करता है। तो यह थी राजस्थान के इस अनोखे गाँव की कहानी, जो हमें सिखाती है कि विश्वास और भाईचारे की नींव पर एक मजबूत समाज खड़ा होता है, जो हमें विश्वास और भाईचारे की ताकत सिखाती है। क्या आप भी इस तरह की परंपराओं को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? हमें अपने विचार अवश्य बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प खबरें देख सकें। इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़ और जुड़े रहिए हमारी खबरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।